नमस्कार समाचार सुपरफास्ट में आपनुं स्वागत छे। हूँ छु पंकज। सुपरफास्ट समाचारोनो सिलसिलो शुरू करिए। गढ़ा गोपीनाथजी मंदिरना केसमां निर्णय। पूर्व चेरमेन पूर्व कोठारीने तड़ीपार कराया। सब डिविजनल मेजिस्ट्रेटनो आदेश। बन्ने छ जिल्लानी हदमां प्रवेशी नहीं शके। आदेश सामे बन्ने 30 दिवसमां अपील करी शकशे। एसपी स्वामीए आपी प्रतिक्रिया। तड़ीपारना आदेशने हाईकोर्टमां पड़कारीशुं। नायब कलेक्टर पर स्वामीना आरोप। संस्थाना कहेवाथी मारी सामे कार्यवाही कराई। तड़ीपारनो आदेश कायदाथी विरुद्ध। मेलेरिया मुक्त गुजरात 2022 अंतर्गत अमदावादमां मेलेरिया शाखा अने तालुका हेल्थ ऑफिसे जिल्लाने मेलेरिया मुक्त करवा कामगीरी हाथ धरी। अमदावादमां 40 प्राथमिक आरोग्य केन्द्र अने 215 सब सेंटर विस्तारमां आरोग्य विभागे टायर दुकानोनी चकासणी करी। चौमासा पूर्वे मेलेरिया शाखा द्वारा अमदावाद जिल्लामां मेगा ड्राइव हाथ धरवामां आवी। आरोग्य कर्मचारीओ द्वारा पोरा नाशक कामगीरी उपरांत मेलेरिया डेंग्यू सहितना मच्छरजन्य रोगथी बचवाना उपायो अंगे लोकोने समजण आपी। छोटाउदेपुर जनरल होस्पिटलमां 23,000 लीटर क्षमता धरावतो ऑक्सिजन प्लांटनुं लोकार्पण थयुं। ऑक्सिजन प्लांट माटे बरोडा डेरीए रूपिया 52 लाखनुं अनुदान कर्युं। अन्य सहाय मळी 97 लाखना खर्चे प्लांट तैयार। गीर सोमनाथना सैयद राजपरा गामे वावाझोड़ाथी नुकसान पामेला धरोना कैस्ट्रोल सहायमां भ्रष्टाचारनो आरोप। गाममां 45 लोकोने 700 रूपिया अने अन्य लोकोने 300 रूपिया अपाता रोष। पूरी सहाय आपवा ग्रामजनोनी मांग। बनासकांठाना पालनपुरथी एसओजीए मेफेड्रोन ड्रग्स झड़प्यू। आकर्षण गामेथी 30 ग्राम मेफेड्रोन साथे 3 आरोपी झड़पाया। स्विफ्ट गाड़ी सहित 3 लाखना मेफेड्रोन ड्रग्सनो मुद्देमाल कब्जे करायो। सूरतना उधना अने पांडेसरामां बुटलेगर टू व्हीलर पर दारू लई जतो होय तेवो वीडियो वायरल। लिंबायतमां शाक मार्केटमां पण जाहेरमां दारू वेचाणनी घटना। आ मामले जागृत नागरिके वीडियो साथे लिखितमां पोलीस फरियाद करी। सूरतना वराछामां एक हीराना कारखानामांथी रूपिया 7 लाखथी वधुनी किंमतना हीरानी चोरी। पूर्व कारीगर ज हीरानी चोरी करीने फरार थयो। फरियाद नोंधाता पोलीसे पूर्व कारीगरने झड़पी हीरानो मुद्देमाल कब्जे कर्यो। भरूचना वालियाना कोढ गामे आवेला अंबिका ज्वेलर्समां चोरी। दुकाननुं शटर ऊंचू करीने प्रवेशता चोर सीसीटीवीमां कैद। लाखोनी चोरी थયાની આશંકા। ઉપલેટાના ભાયાવદરના વડેખણ ગામે લાઇમસ્ટોનનું ગેરકાયદેસર ખનન પકડાયું। મામલતદાર રેવન્યુ તલાટી સર્કલ ઓફિસરે રેડ કરીને ખનીજ ચોરી ઝડપી। 70 લાખના હિટાચી મશીન સાથે ડ્રાઈવર અને ક્લીનરની ધરપકડ। અરવલ્લીના શામળાજી હાઈવે પર પૂરપાટ ઝડપે જતી કાર પલટી જતા આગ લાગી ગઈ। કારમાં સવાર 2 વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત। કાર સળગી જતા એક તરફનો હાઈવે બંધ। પાટણના રાધનપુર પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં ગાડીમાં આગ લાગી ગઈ। પોલીસે કબજે કરેલી મુદ્દામાલની ગાડીમાં જ આગ લાગી। લોકોએ આગ પર કાબુ મેળવ્યો। મેહુલ ચોકસીને લઈને એન્ટીગુઆનાના એક સ્થાનિક ઓનલાઈન પોર્ટલે ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો। મેહુલ ચોકસીના ભાઈ ચેતન ચોકસીએ વિપક્ષના નેતા લેનોક્સ લિટનને લાંચ આપી મેહુલ ચોકસીની તરફેણમાં નિવેદન આપવા લાંચ। ચેતન ચોકસીએ 2 લાખ અમેરિકી ડોલરની લાંચ આપી આગામી ચૂંટણીમાં મદદ કરવાની ખાતરી આપી હોવાનો દાવો ઓનલાઈન પોર્ટલમાં લેખ પ્રકાશિત થયો। ચેતન ચોકસી એનબી નામની ચલાવે છે કંપની। પરીક્ષા મુદ્દે પુનઃ વિચાર થઈ શકે। આજે યોજાનારી રાજ્ય કેબિનેટની બેઠકમાં થઈ શકે છે ચર્ચા। ગઈકાલે ધોરણ 12 સીબીએસઈની પરીક્ષા રદ કરતા થઈ શકે પુનઃ વિચારણા। સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાઓનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર। 30 ફેકલ્ટીની પરીક્ષા 15 જૂનથી લેવાશે। સ્નાતક અનુસ્નાતક કોર્સની પરીક્ષા યોજાશે। સુરતના વિવેકનગરમાં ઝાડાઉલટીના એક દિવસમાં 50થી વધુ કેસ। 6ના મોત થતા તંત્ર દોડતું થયું। અનેક કેસ નોંધાતા પાલિકાએ સહાયની જાહેરાત કરી। મૃતકના પરિવારને 1 લાખની સહાયની જાહેરાત। પીવાના પાણીમાં દૂષિત પાણી ભળ્યાથી રોગચાળો વકર્યો હોવાની શંકા, જેથી દર્દીની સારવારનો ખર્ચ પાલિકા ઉઠાવશે। મનપાની ટીમે ક્લોરીન દવાનું વિતરણ કર્યું। પાટણના રાધનપુરમાં છાત્રાલયમાં બાળકો સાથે ભેદભાવનો આરોપ। કેથોલિક ઝેવિયર છાત્રાલય સામે ધર્મ પરિવર્તન કરાવવાનો આરોપ। બાળકોનો આશ્રમ સંચાલક સામે ગંભીર આરોપ। આશ્રમમાંથી કેટલાક બાળકોને હાંકી કઢાયા। સંચાલકોનો ઘટનાને દબાવવાનો પણ આરોપ। ઘટના અંગે હજુ સુધી નથી થઈ ફરિયાદ। ડિગ્રી વગર સારવાર કરતો તબીબ પકડાયો। પંચમહાલના ગોધરામાંથી નકલી તબીબ ઝડપાયો। એલોપેથી સારવાર કરતા 3 નકલી તબીબ। પોલીસની મેડિકલ ઓફિસર સાથે કાર્યવાહી। જિલ્લામાં 5 દિવસમાં 6 નકલી તબીબ પકડાયા। પાટણના રાધનપુરના ગોઢ ગામમાંથી નકલી તબીબ પકડાયો। મકાન ભાડે રાખી હાટડી ચલાવતો હતો। દવાખાનામાંથી દવા ઇન્જેક્શન પણ મળ્યા। 44 પ્રકારની દવાનો 42,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત।
कोरोना काल में लोगों जीव साथ रमत वधु एक डिग्री वगर नो डॉक्टर पकड़ायो द्वारकाना सलाया गाम में पकड़ायो कोरोना में डिग्री वगर लोगों ने करतो हतो सारवार दवाना जत्था साथ 6.29 लाख नो मुद्दामाल जप्त। छोटाउदेपुर में बोडली पाटिया गाम की नकली तबीब पकड़ायो डिग्री वगर लोगों ने करतो हतो सारवार आनंद कुमार विश्वास नामनो बोगस तबीब आश्रे 18 वर्ष थी करतो हतो प्रेक्टिस। अमदावाद में वधु एक हत्या नो बनाव दाणी लीमड़ा में युवक की हत्या अंगत बोलाचाली में युवक की हत्या कराई कृष्णनगर छापरा पास नो बनाव हत्या केस में 4 लोगों की धरपकड़। द्वारकाना मीठापुर उद्योगनगर में युवक की हत्या रिसाई ने पियर गये पत्नी ने मड़वा जता कराई हत्या पत्नी साड़ा अने सासुए मड़ी ने तीक्ष्ण हथियार घा झीक्या पुलिस तपास हाथ धरी। बनासकांठा पालनपुर आबू रोड नेशनल हाईवे पर अकस्मात कार चालके स्टीयरिंग पर काबू गुमावता कार की झार साथ टक्कर थी कार में सवार एक परिवार 5 लोग इजाग्रस्त इजाग्रस्तों ने सारवार माटे खसेड़ाया। अमरेली में जाफराबाद सरोवड़ा गाम में घुसया सिंह सिंहणे एक पशु शिकार कर्यो तो सिंह बाड़े पण स्कूल में कर्यु रात्रि रोकाण स्थानिकोए वन विभाग ने करी जाण वन विभागे सिंह बाड़नु रेस्क्यू कर्यु। साबरकांठा पोड़ोना जंगल में दीपड़ो देखायो दीपड़ो देखाता स्थानिकों में भयनो माहौल मोटी संख्या में अहीं प्रवासी आता होवाथी प्रवासी में भय। वडोदरा छाणी विस्तार में ट्रेक्टर गैरेज में मोड़ी रात्रे लागी हती आग विभागनी टीमें घटनास्थले पहुंची आग पर काबू मेळव्यो आग ने कारण गैरेज में लाखों नुकसान सदनसीबे मोटी जानहानि टळी। सूरत में फायर सेफ्टी मुद्दे चेकिंग यथावत 11 होस्पिटल 1 लेबोरेटरी 1 क्लिनिक और 1 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स ने कराया सील फायर सेफ्टी मामले नोटिस आपवा छता एनओसी न मेळवता कार्यवाही। अमदावाद में स्टेट मॉनिटरिंग सेल ना दरोड़ा गोमतीपुर में दारू की हेराफेरी पर्दाफाश टेम्पा गुप्तखाना में 485 लीटर दारू जप्त जगन्नाथ महादेव की चाली में रेड। सूरत कडोदरा पुलिस स्टेशन ना पीआई आनंद ब्रह्मभट्ट सस्पेंड कडोदरा पुलिस मथक की हद में दारू पकड़ाता कार्यवाही अंत्रोली गाम पास रूपया 24 लाख नो दारू पकड़ायो हतो। सीबीएसई धोरण 12 परीक्षा रद्द करवामां आवी कोरोना संक्रमण ने ध्यान में राखी निर्णय लेवायो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजायेली बैठक में निर्णय। प्रधानमंत्री कहूं कि विद्यार्थियों आरोग्य साथ समाधान नहीं कराए विद्यार्थियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता सरकार निर्णय अंगे विद्यार्थियों में मिश्र प्रतिसाद। राजकोट में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी मनोविज्ञान भवन द्वारा हाल एक सर्वे हाथ धरम जमा धोरण 12 विद्यार्थी और वाली परीक्षा अंगे शू विचारे लईने आ परिणामों सा धोरण 12 विद्यार्थियों में चीड़ियापणू मूड डिसऑर्डर साथ भविष्य की चिंता में खूब वधारो थयो माता पिता पण परीक्षा अवढव में जोवा मळ्या। राजकोट जामनगर सुरेन्द्रनगर और ग्राम्य विस्तार में आ सर्वे करवामां आव्यो हतो। खेडूतो बाद सागर खेडूओ माटे पण राहत पैकेज जाहेर टाउते वावाझोड़ाए करेली नुकसानी वर्तर माटे सरकारे 105 करोड़ राहत पैकेज जाहेर कर्यु जेमां जाड़ सामग्री में थयेली नुकसानी 50% अथवा 35,000 सुधीनी सहाय आपशे। नानी बोट संपूर्ण तूटी गई हो तो नुकसानी 50% अथवा 75,000 सुधीनी सहाय तो नानी बोट में आंशिक नुकसानी 50% अथवा तो 35,000 सुधीनी सहाय अपाशे बंदरों समारकाम 80 करोड़ खर्चनो अंदाज। पंचमहाल राबोड गाम में वावाझोड़ा बाद खोरवायेलो वीज पुरवठो हजू सुधी पूर्ववत नहीं बीजी बाजू वीजड़ी जीवंत वायर खेडूतोना खेतर में अस्तव्यस्त थे होवाथी करंट लागवानो पण भय। अलवा फीडर की डीपी साथ 25 खेडूतों वीज जोड़ाण जे अंगे वारंवार वीज कंपनी अधिकारी ने रजूआत छता आखाड़ा कान जेथी खेडूतोए धरना करवानी आपी चीमकी। विपक्ष नेता परेश धानाणीए वावाझोड़ाथी तबाह थयेला अमरेलीना लीलीपाणी नेस की मुलाकात लीधी तेमज मालधारी लोको साथे समय विताव समग्र परिस्थिति चितार मेळव्यो। वावाझोड़ाथी वलसाड़ जिल्लाना केरीना पाक ने व्यापक प्रमाण में थयु नुकसान सरकारे बागायती पाक माटे 2 हेक्टर की मर्यादा में 60,000 की करेली जाहेरात नहीवत बराबर खेडूतोनी वधु वर्तर चूकवानी मांग। संघ प्रदेश दादरानगर हवेलीना हवामान में पलटो सेलवास और आसपासना विस्तार में भारे वरसाद वरस्यो अचानक वरसाद थी उभा पाक ने नुकसान की भीति। देश में आ वर्षे चोमासु सामान्य रहेशे गुजरात में सारो वरसाद रहेवानुं अनुमान उत्तर पश्चिम भारत में वरसादनुं अनुमान 92-108% वरसादनुं छे अनुमान। जून थी सप्टेम्बर में वरसादनुं अनुमान दक्षिण भारत में 93-107% वरसादनुं अनुमान उत्तर पूर्व भारत में 95% वरसादनुं अनुमान मध्य भारत में 106% वरसादनुं अनुमान।
हिमाचल प्रदेश शिमला में धोधमार वरसाद, शहर अनेक विस्तार में पड़ो वरसाद, तापमान में 4-5 डिग्री घटू, वातावरण आह्लादक जोवा मळ्युं। जम्मू काश्मीर राजौरी में धोधमार वरसाद, भारी पवन साथ वरसाद पड़ो, शहर अनेक विस्तार में वरसाद थता गर्मी थी मळी राहत। राजस्थान अजमेर में गैरकायदे ड्रग्स राखवाना केस में धरपकड़, पुलिसे बे आरोपी की करी धरपकड़, आरोपी पासे थी ड्रग्स जप्त करायो। उत्तर प्रदेश नोएडा में एक पतिए पोतानी पत्नी ने गोली मारी, पोते आत्महत्या करी लीधी, पोताने गोली मारी आत्महत्या करी, समग्र मामले पुलिसे तपास हाथ धरी। उत्तर प्रदेश गोंडा में सिलिंडर ब्लास्ट थता बे मकान धराशायी थया, घटना में 8 लोगों मौत थया तो केटलाक लोग इजाग्रस्त बन्या। उत्तर प्रदेश अयोध्या में अनलॉक की शुरुआत, शहर में फरसाण, वासण, कापड़ सहित अनेक दुकाने खुली, कोरोना केस घटता सरकारे छूट आपी। मंदिर खुलता की साथ ही अयोध्या में भक्तों की भीड़ जामी, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने भारे संख्या में भक्त पहुंचा, कोरोना नियमों उल्लंघन। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में पुलिस द्वारा फ्लेग मार्च आयोजन, कोरोना नियमों पालन करने अपील, समयसर दुकाने बंद करने लोगों ने जणाव्यू। मध्यप्रदेश ग्वालियर में दुकाने खुली, राज्य सरकारे छूट आपता लोग फरता जोवा मळ्या, दुकाने खुलता वेपारी में खुशी माहौल। मध्यप्रदेश जबलपुर में टेक्सटाइल वेपारी विरोध, जबलपुर में सरकारे दुकाने खोलने मंजूरी न आपता विरोध, वेपारी दुकाने खोलने मांग करी। जम्मू काश्मीर उधमपुर में अनलॉक की शुरुआत, एक महीना बाद जिले में दुकाने खुली, कोरोना घटता केस ने लईने सरकारे छूट आपी। जम्मू में वैक्सीनेशन ड्राइव तेज बनी, अत्यार सुधी 45 वर्ष की उम्र 3,65,000 लोगों रसी लीधी, 18 वर्ष की उपर की उम्र 55,000 लोगों रसी लीधी। मध्यप्रदेश इंदौर में अमेरिकन एंटीजन टेस्टिंग किट थी टेस्टिंग करायू, इंदौर आरोग्य विभाग ने अमेरिकन टेस्टिंग मळ्या। इम्फाल में कोरोना केस में वधारो, डॉक्टर वॉलंटियर्स गामडाओं में करी रहा छे सारवार, लोकोना घर में जई होम आइसोलेट दर्दीओनी सारवार। मध्यप्रदेश शाजापुर में कृषि केन्द्र पर खेडूतों की भारी भीड़, भारी संख्या में खेडूतों बियारण खरीदवा पहुंचा, सोशल डिस्टन्स नियमों तूट्या। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में कोरोना नियमों धजाग्रा, रात्रि कर्फ्यू दरमियान भारी ट्राफिक जोवा मळ्यो, भारी संख्या में लोग रस्ता पर निकळ्या। हैदराबाद में कोरोना नियम भंग बदल 8,000 केस दाखिल कराया, सरकारे नियमों में छूट आपवा छता 8,000 लोग सामे फरियाद, पुलिसे लोगों ने नियमों पालन करवा करी अपील। उत्तर प्रदेश मेरठ में 62 बाळको अनाथ थया, कोरोना कारण माता पिता की मौत थता बाळको अनाथ बन्या, डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटे आपी माहिती। कोरोना कारण हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभागे सौथी वधु असर पहुंची छे, त्यारे कोरोना कारण प्रवासीओ न आवता होटल मालिकों की हालत कफोड़ी बनी। आसाम में कोरोना दर्दीनु मौत थता परिवारजनोए तबीब ने मार मार्यो, वीडियो वायरल थता पुलिसे एक शख्स की धरपकड़ करी। पंजाब ना मोंगा शहर में ऑक्सीजन लंगर सेवा की शुरुआत, अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादले करी शुरुआत, जरूरियातमंद लोगों ने मफत में अपाशे ऑक्सीजन सिलिंडर। पश्चिम बंगाल आसनसोल में एम्ब्युलेंस चालके 40 किलोमीटर फरवा माटे 17,000 रुपया पड़ाव्या, कोरोना दर्दी परिवारजनों लगाव्यो आरोप, घटना बाद पुलिस फरियाद दाखल। रामेश्वरम में वैक्सीन की अछत, समयसर वैक्सीन न मळता लोग परेशान बन्या, स्टॉक न होवाथी सेंटर बंद करवानो वारो आव्यो। पश्चिम बंगाल ईस्ट मिदनापुर में वावाझोड़ा बाद पण परिस्थिति बदतर, हजू सुधी नहीं ओसरिया पाणी, वावाझोड़ा कारण लोगों घरों तूटी गया, लोगों की हालत कफोड़ी बनी। कर्नाटकना शिवमोगा में एक स्कूल बाळकों ने आपे मफत शिक्षण, वनाश्री रेसिडेंशियल स्कूल में बाळकों ने मळे मफत शिक्षण, कोरोना काल में अनाथ थया बाळकों माटे रहेवानी पण सुविधा। वैक्सीनेशन माटे चाइनाए नेपाळ ने मदद करी, चीन थी नेपाळ माटे 8,00,000 वैक्सीन ना डोज आव्या, नेपाळ वायुसेना नु विमान वैक्सीन लई काठमांडू पहुंच्यू। देश में कोरोना केस में सतत घटाड़ो, 1,33,136 नवा केस नोधाया, छेल्ला 24 कलाक में 3,205 लोगों मौत, देश में एक्टिव केस की संख्या में 70,00,000 की आसपास थी। महाराष्ट्र में कोरोना केस में सतत घटाड़ो, 14,123 नवा केस नोधाया, छेल्ला 24 कलाक में 854 लोगों मौत, महाराष्ट्र में कोरोना 2,30,000 थी वधु एक्टिव केस। यूपी में कोरोना दर्दियों की संख्या में घटाड़ो, छेल्ला 24 कलाक में 1,221 केस तो 175 लोगों कोरोना की मौत, उत्तर प्रदेश में 32,000 थी वधु एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना केस में सतत घटाड़ो, 24 कलाक में कोरोना नवा 623 केस नोधाया, एक ज दिवस में 62 दर्दियों निपजा मौत, दिल्ली में हाल 10,000 थी वधु एक्टिव केस।
कर्नाटक में एक दिवस में 14,304 केस, 464 दर्दियों ना निपजा मौत, अत्यार सुधी में 2,98,000 थी वधु एक्टिव केस। केरल में एक दिवस में 19,760 केस नोंधाया, जारे 194 दर्दियों गुमाव्यो जीव। छत्तीसगढ़ में कोरोना ना नवा 1,886 केस नोंधाया, 29 दर्दी ना निपजा मौत, छत्तीसगढ़ में हाल 33,000 थी वधु एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना ना 1,002 नवा केस नोंधाया, जारे छेल्ला 24 कलाक में कोरोना थी 65 लोगों ना निपजा मौत। उत्तराखंड में कोरोना ना 981 नवा केस नोंधाया, छेल्ला 24 कलाक में 45 लोगों ना निपजा मौत, तो 27,000 थी वधु एक्टिव केस। गुजरात में कोरोना वायरस ने केस में सतत घटाड़ो, छेल्ला 24 कलाक में कोरोना ना नवा 1,561 केस नोंधाया, एक दिवस में 22 दर्दियों कोरोना थी मौत। राज्य में कुल 29,015 एक्टिव केस, जेमांथी 472 दर्दियों वेंटिलेटर पर, 28,543 दर्दियों की हालत स्थिर, अत्यार सुधी में कुल 9,855 दर्दी ना मौत। अमदावाद जिला में कोरोना ना नवा 262 केस नोंधाया, छेल्ला 24 कलाक में 5 दर्दियों गुमाव्यो जीव। सूरत जिला में कोरोना ना 24 कलाक में नवा 252 केस नोंधाया, 3 दर्दी ना निपजा मौत, सूरत शहर में